18 तारीख बस आने ही वाला है, तो हर रोज़ जैसे एक एक दिन बीत रहा है तो मेरे ऐसे 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 ऐसा ऐसा हो रहा है, जैसे कि वो वीकेंड के वार में होता था ना जब आप नॉमिनेट होते थे, तो वैसा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीकेंड का वार जो आएगा वो मतलब ऐसा, ये भी वीकेंड है ना। सो बट आई एम रियली एक्साइटेड यार, आई एम रियली हैप्पी एंड आई होप कि जैसा हम जितनी मेहनत कर रहे हैं और जितनी शिद्दत से कर रहे हैं काम, वैसा लोगों को दिखे और लोगों को पसंद आए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है यार, लोगों को इतना पसंद आ रहा है बेकाबू का ट्रेलर, और इतना मज़ा आ रहा है और इतनी खुशी हो रही है लोगों को, और मेरा लुक भी बड़ा पसंद आ रहा है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो एक्चुअली मैंने किसी को नहीं बताया अभी तक, कि आपको तो मेरा कैरेक्टर का नाम रानव है, या है ना, और रानव आपने देखा वो टैटू वाला है, लेकिन 18 तारीख को दर्शकों को कोई और रानव दिखेगा। ओह माय गॉड, ये एक राज की बात है जिसमें टैटू भी नहीं होगा और वो कुछ और होगा, और वो बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा होगा जैसा आपने देखा है प्रोमो में। तो ये एक सीक्रेट है जो सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ 12 तारीख को मैं बिग बॉस के घर से बाहर निकला, और 14 को हमने वो प्रोमो शूट किया जो आप लोगों ने देखा है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जितनी ओवरवेलमिंग और जितना मुझे जितना अप्रिसिएशन इस प्रोमो को मिल रहा है, जो लुक को मिल रहा है, जो रानव को मिल रहा है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और ज़्यादा नर्वस हूँ मैं, वो इतना रिएक्शन अच्छा देख कर ना मैं और ज़्यादा नर्वस हो गया हूँ कि अब भगवान करे मैं उनकी इज्जत पे खरा उतरूँ, चैनल की इज्जत पे, बालाजी ने जो इज्जत दी है मेरे को उस पर मैं खरा उतरूँ एंड लोगों को मैं पसंद आऊँ। मुझे जब पता चला था कि ईशा है शो में, तो मैं क्या आप यूजुअली अपने ऐसे करते हैं ना, जो आप जानते नहीं हो किसी को, तो आप यू नो आप जस्ट फोटो देखते हो उनकी कि अच्छे कैसे दिखते हैं ना, तो आप गूगल कर लेते हो उनको। तो मैंने ऐसे गूगल किया था, मैंने बड़े सीरियस सी है, बड़ी मतलब संजीदा टाइप की दिख रही है ना, तो मैं चलो नहीं सीरियस काम करेंगे अच्छा मतलब। पर जब हम लोग मिले, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, पहला दिन प्रोमो का पहली बार हम लोग मिले हैं, पहले 10 मिनट में, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड आई ऑल क्रेडिट गोज टू हर, क्योंकि वो इतनी स्वीट है, इतनी अच्छी हैं, तो वी सडनली इट जस्ट क्लिक्ड आर, मतलब हमारा जो हम साथ में थे और हमें भाग के आना था है ना, जैसा प्रोमो में आपने देखा, तो अभी स्टार्टेड लाफिंग है ना, एक बार फंबल भी हो गया ऐसे थोड़ा सा, हम भिड़ने भी मोबाइल थे, हमारा चेहरा भी टकराने वाला था, तो पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, बट सडनली you know, from a very formal this thing we became very informal, which is nice. I like that. At the same time, बहुत कमाल की कलाकार हैं वो, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, एंड she's very knowledgeable as an actor. तो give and take बहुत अच्छा है. So off camera, on camera, it's very nice to work with her. She makes me very comfortable, which is very nice. मैं बस ये बोलना चाहूँगा आप सभी दर्शकों को कि प्लीज़ 18 तारीख को रात में 9 बजे कलर्स चैनल पे मेरा नया शो आ रहा है जिसका नाम है बेकाबू। आप लोगों ने इतना उसका ट्रेलर पसंद किया है, इतना आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरा लुक को पसंद कर रहे हैं, प्लीज़ जाके देखिएगा। बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से हम लोग हर रोज़ जो एक एक दिन बिता रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस शो में बहुत यूनिक शो, आपको मज़ा आएगा। एंड मैं आप लोगों से टू वे कॉन्वर्सेशन चाहता हूँ, अभी क्या है वन वे हो रहा है, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। सो 18th और 19th को जब आप ये शो देखेंगे सैटरडे संडे को रात में 9 बजे कलर्स पे, उसके बाद में मैं आप लोगों के पोर्टल्स में जाऊँगा, कमेंट सेक्शन में जाऊँगा, और मैं पता करूँगा कि आप लोगों ने क्या बोला है। मुझे कमेंट करें, मैं भी कुछ कुछ पोस्ट करूँगा यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, जिस जिस पोर्टल में आप लोग देख रहे हैं, मैं सब तरफ जाऊँगा और सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा। मैं बता रहा हूँ मैं बहुत शिद्दत से सब काम करता हूँ है ना, मैं रात में सोता नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती, तो मैं रात में यही कर रहा होता हूँ, और फिर मैं आप लोग बताऊँगा क्या क्या मैसेजेस मैंने पढ़े हैं, क्या क्या कमेंट्स। सो प्लीज़ वॉच इट, लाइक इट, लव इट, हेट इट, व्हाटएवर, बट टेल मी हाउ कैसा लगा आप लोगों को, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।